हाय दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे। आज देखेंगे हम लोग क्लास 10 मैथ्स के इस वीडियो में कि रूट वाला क्वेश्चंस और किस किस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो हमने कल देखा था कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कीजिए। इसके आधार पर हमने बोला था कि रूट 5, रूट 7, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग स्वयं लगाए होंगे। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि इस पर और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखते हैं। देखिए, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से लेकर के आप पढ़ सकते हैं और उस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो मैं अगला टाइप बता रहा हूँ, कल एक टाइप बता दिया, एक टाइप मैं आज बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दे दिए क्वेश्चन दे दे कि प्रूफ दैट 2√3 इज इरेशनल। प्रूफ कीजिए कि 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे हम लोग कल सॉल्व किए थे। तो कल हमने सॉल्व कर लिया था कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। आज उसी बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वही कंट्राडिक्शन मेथड, यानी हम एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू रूट थ्री इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हमको पता है कि जब कोई नंबर रेशनल होता है तो किसके बराबर होता है, पी अपार क्यू के। कोई जरूरी नहीं पी अपार क्यू, आप ए अपार बी भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म लिख सकते हैं। तो पी अपन क्यू क्या है, रेशनल नंबर। तो जब पी अपन क्यू रेशनल नंबर होता है, पता होगा कि पी और क्यू होल नंबर है कि इंटीजर है। हमने कल बताया था कि यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव क्या, इंटीजर। लिखेंगे हम वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, और हैविंग लिख सकते हैं यहाँ पर हैविंग नो कॉमन फैक्टर किसके अलावा, अदर देन वन, इनके पास वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, और Q is not equal to zero. Q की वैल्यू जीरो नहीं है, यहां से हम ये चीज लिख लेंगे। तो जब ये हो गया तो देखिए कल हमने क्या कहते स्क्वायर किया था। यहाँ पर पहले हम एक साइड रूट को तो पहले लिख लें, यहाँ देख लीजिए दूसरे साइड में रूट के साथ साथ टू भी है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे रूट थ्री इजक्वल टू पी अपान टू क्यू, रूट थ्री इजक्वल टू पी अपान थ्री क्यू हमने लिख लिया। तो हमको पता है क्या पता है, लिखेंगे यहां पर सिंस क्या, सिंस P एंड Q दोनों क्या है, P एंड Q क्या है, इंटीजर है। लिखेंगे आर इंटीजर, सिंस P एंड Q आर इंटीजर सो क्या, सो P अपान टू क्यू, जब ये अभी इंटीजर है और अभी इंटीजर है तो दोनों क्या हो जाएगा, सो P अपान क्यू इज रेशनल। तो P अपान क्यू क्या हो गया, रेशनल हो गया। ध्यान दीजिए यहां पर P भी इंटीजर है और आपका Q भी इंटीजर है, जो दोनों इंटीजर हैं तो हमने लिखा है ये दोनों इंटीजर के क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे 10, जब यह इंटीजर हो गया, जब यह इंटीजर हो गया, यह रेशनल नंबर हो गया, तो थ्री रूट थ्री भी क्या हो जाएगा, रेशनल। यहां देख लें, यहां लिख लेंगे हम ऐसे रूट थ्री इक्वल टू रेशनल लिख लेंगे ऐसे, मतलब रूट थ्री क्या है, रेशनल है। तो यहां लिखेंगे 10 रूट थ्री इज आल्सो रेशनल, भाई रूट थ्री क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा।
जब ये रेशनल हो गया तो रूट थ्री भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन लेकिन ये तो अलग ही है भैया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। सो और एज्यूम्शन इज रॉन्ग, अतः हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। हेंस हेंस टू रूट थ्री इज इरेशनल। टू रूट थ्री क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ध्यान दीजिए कुछ नहीं, बस हमने रूट थ्री इक्वल टू पी अपॉन टू पी किया, यहाँ पर दोनों इंटीजर है, सो ये रेशनल होगा। रूट थ्री किसके बराबर होगा, रेशनल के बराबर हो जाएगा इस आधार पे। यहां से तो यहां से इसको मैं मिटा देता हूं। हमने कहा कि रूट थ्री क्या है, रेशनल होगा भैया, लेकिन यह तो एक कंट्राडिक्ट उत्पन्न कर रहा है भाई, ये तो गलत है, जबकि रूट थ्री क्या एक है, इरेशनल है। So our assumption is wrong and hence root 3 is irrational number। इस तरह आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं और देख लीजिए, एक टाइप और इसमें क्या है, इस तरह आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं इस तरीके से। आगे मैं दे दूं, जिसे मान लीजिए कि मान लो रूट 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल प्रूफ करने के लिए, या फिर रूट 2 प्लस वन इज इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो ये प्रूफ करने से पहले कुछ चीजें पहले ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। यदि कोई रेशनल नंबर है उसको इरेशनल हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, इरेशनल आएगा। यहां देख लीजिए रेशनल माइनस इरेशनल, फिर भी क्या आएगा, रेशनल इरेशनल आएगा। फिर देख लीजिए रेशनल इंटू इरेशनल होगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। इस चीज को पता है। आगे क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि प्रूव दैट रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूफ कीजिए कि रूट फाइव प्लस रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट क्या रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज रेशनल। हमने क्या माना कि रूट फाइव प्लस रूट थ्री क्या है, रेशनल है। वही चीज जब रूट फाइव रूट थ्री रेशनल है इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, रूट फाइव प्लस रूट थ्री किसके बराबर होगा, पी अपान क्यू के, पी अपान क्यू के बराबर होगा। फिर यहां लिखिए वही चीज वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन and q is not equal to 0। ये चीज़ है।
ये तो हर जगह लिखाया गया चीजें। तो जब पी एंड क्यू इंटीजर है तो यहाँ देखिए यहाँ मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस रूट थ्री। फिर इसके बाद इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान, फिर नेक्स्ट स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का क्या करें स्क्वायर करें बोथ साइड का, ठीक है हो जाएगा फाइव और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला। यहां देखिए ए स्क्वायर क्या है पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है थ्री हो जाएगा माइनस टू ए बी यानी टू पी अपान क्यू इंटू रूट थ्री। ये क्या हो जाएगा देखिए हम एक काम करें इसको इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस में टू पी अपान क्यू रूट थ्री, उधर क्या ये फाइव तो पी अपान क्यू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव ये क्या हो जाएगा आपका माइनस टू, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट माइनस टू। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा एलसीएम लेंगे यानी पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर ये होगा इसको सॉल्व करने के बाद। उसके बाद देखिए ये जब उधर जाएगा इधर क्या बन जाएगा रूट थ्री इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा यानी ऐसे टू पी अपॉन क्यू, जब इसको सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और क्यू ऊपर चला जाएगा टू पी आपका नीचे आ जाएगा क्यू से क्यू कट जाएगा ये क्या हो जाएगा रूट थ्री इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू पी क्यू। ये चीज है ये चीज मिली हमको सॉल्व करने के बाद मैं भी ये चीज समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो ये हमने क्या किया पी अपन क्यू माना थ्री को उधर भेज दीजिए कोई जो नहीं कि थ्री को फाइव को भेज सकते हैं थ्री जो भी मन करे उसको भेज सकते हैं एक रूट इधर होना चाहिए हमने भेजा स्क्वायर किया हमने बोथ साइड का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला। फिर हमने इस वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर कर लिया और फाइव को इधर भेजा है ये मिला इसको सॉल्व किए पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर फिर इधर मल्टीप्लाई इधर भेजे डिवाइड हुआ डिवाइड को चेंज किया हमने फिर मल्टीप्लाई हुआ सॉल्व करने के बाद ओवरऑल मेरा ये चीज है ओवरऑल चीज रूट थ्री इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू की स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू आया। अब ध्यान दीजिए अब यहां से क्या करना है यहां पर पी क्या है इंटीजर है क्यू क्या है इंटीजर है दोनों ही इंटीजर है जब दोनों इंटीजर हैं दोनों की वैल्यू मान लीजिए कुछ रख दें और सॉल्व करें तो पूरा क्या आएगा ये एक रेशनल नंबर आएगा ठीक है ये क्या आएगा आपका रेशनल नंबर आएगा। जब रेशनल नंबर आएगा तो फिर वही चीज रूट थ्री किसके बराबर हो जाएगा रेशनल नंबर के बराबर हो जाएगा जो कि गलत है क्योंकि पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि रूट थ्री क्या है इरेशनल है। तो फिर वही चीज लिख लेंगे लिखेंगे यहां पर यहां लिखेंगे पी स्क्वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर पी एंड क्यू आर इंटीजर सो पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर अपन टू पी क्यू इज रेशनल ये क्या होगा रेशनल जब यह रेशनल होगा दस इस प्रकार रूट थ्री भी क्या हो जाएगा दस रूट थ्री इज रेशनल। जब यह रेशनल हो गया तो रूट थ्री भी क्या हो जाएगा रेशनल लेकिन यह तो भाई विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है लिखेंगे बट वही चीज पुरानी चीजें बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट
This contradict the fact that this contradict the fact that root 3 is irrational. So our assumption is wrong. अतः हमारा assumption क्या है? Wrong है. Hence root 3 is root 3 नहीं, root 3 नहीं. Hence ये क्या पूरा है ना? Hence root 5 plus root 3 is irrational. इस प्रकार रूट फाइव प्लस रूट थ्री क्या है? इरेशनल. तो यहाँ हमने देखा यही तीन टाइप होते हैं इसके. जैसे कल पहले हमने बताया रूट थ्री अलग, फिर हमने आज बताया टू रूट थ्री, इस टाइप के क्वेश्चन अलग होते हैं. फिर हमने ये तीन टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिया आप लोगों को कि तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है. मे भी चीजें समझ आ गई होंगी. इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा. जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे रूट थ्री प्लस रूट टू इरेशनल प्रूफ कीजिए, दे दे सेवन रूट टू इज इरेशनल प्रूफ कीजिए, फिर दे दे फाइव और टू रूट फाइव माइनस वन इज इरेशनल इसको प्रूफ कीजिए, फिर दे दे रूट थ्री प्लस रूट फोर इज इरेशनल इसको प्रूफ कीजिए. तो ये ज्यादा क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइएगा इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह लगेगा. आप कोशिश कीजिएगा लगाते वक्त कि ए साइड एक साइड आपके रूट की वैल्यू आए, सॉल्व करते हो इसी तरह, फिर एजम्पशन मान करके उसको हम लगा सकते हैं. मे भी इस वीडियो से कुछ आप लोग नया सीखे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन हम लगाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें. तब तक के लिए बाय बाय.